नमस्कार साथियों, सिद्धू मूसेवाला के निधन के बाद चारों ओर सनसनी फैल गई है। जो सिद्धू मूसेवाला के दुश्मन थे उनको किसी भी तरह का डर नहीं है। वो खुद बोल रहे थे कि सिद्धू को हमने ठिकाने लगाया है। और सिद्धू के निधन के बाद हमलावरों ने एक बड़े समाज सेवक और बड़े एक्टर को धमकी दी है और दुश्मनों ने बोला कि 2 महीने के अंदर तेरा गेम खत्म कर देंगे। दोस्तों, समाज सेवक हर्ष चिकारा हरियाणा को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के निधन के बाद क्या बोला आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हर्ष चिकारा आज अपने पेज से लाइव हूं और सोशल मीडिया पर मेरे से जुड़े हुए आप लोगों को कई साल हो चुके हैं। हमारी जो दोस्ती है वो कई साल की हो चुकी है। 2015 से मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ और 2012 से समाज सेवा कर रहा हूँ। उसके बदले में हमें मिलता क्या है आज आप लोगों को बताता हूँ भाई। सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, ये जो धमकी देने वाले हैं ना, पूरी डिटेल बता देता हूँ भाई आज इन बदमाशों की। और किसी के बस का तो नहीं होता बोलना, आप खुल कर बोलते हैं, क्योंकि मुझे मौत की कोई परवाह नहीं है। मेरे को धमकी दी गई है कि 2 महीने के अंदर तेरे को जान से मार देंगे। 2 महीने का टाइम दिया है मैंने, ये बोला भाई 2 महीने इंतजार किसका करूं। जब मारना ये है मेरे को, पहले तो कारण बता दो किस लिए मारोगे। मैंने ऐसा कौन सा काला धंधा किया है, या मैंने हरियाणा की धरती पे हरियाणा के बच्चों पे ऐसा कौन सा कलंक लगवा दिया जिसके कारण मन मारोगे, या मेरी कोई दुश्मनाई हो, या मेरी कोई लागबाग हो। मैंने सारी चीजें कही थी। एक भाई ने कही है सिक्योरिटी ले लो भाई। मनीष पंडित आप अपनी जगह सही हो, मैं सिक्योरिटी ले लूं। किस किस को सिक्योरिटी दवाओगे भाई? अकेले हर्ष चिकारा की बात नहीं है ये। कल आप ने भी मार देंगे और किसी ने भी मार देंगे। सिस्टम से लड़ना पड़ता है मेरे भाई। मैं सिक्योरिटी लेकर गांडू बनकर घर आप थोड़ी बैठ जाऊंगा। मैं इतना डरपोक नहीं हूं। मैं खुल के आज बता रहा हूं। हो सकता है आगे मेरी लाइव आवे ना आवे, उन भैया की कहानी बात साची हो जाए, उनका सही तोका लाग जाए, वे मौत के घाट उतार दें। लेकिन उससे पहले कुछ हकीकत आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ गुंडों के स्क्रीन शॉट आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। मैं किसी भी भाई बदमाशी लाइन से नहीं हूं, ना किसी बदमाशी फील्ड से मेरा कोई लेना देना है, ना मेरे ऊपर आज तक कोई केस है। मेरे ऊपर सिर्फ एक केस है, वो आप लोगों को पता है सबको किस चीज का केस हो। केस ज्यादा फेमस होया था, सिर्फ वही केस है मेरे ऊपर, और उसमें भी मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं 100% मैं बरी हूंगा। अब बात करते भाई बदमाशों की धमकी वाली। ये धमकी कौन दवाता है, कौन सा बदमाश है? पहले तो मैं आप सभी साथियों को एक बात कहूंगा, अमेरिका से जो भी साथी जुड़ रहा हो, अमेरिका से ध्यान देना भाई, इस वीडियो को उस साइड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना जितना ज्यादा हो सके। अमेरिका के मेरे साथी, मेरे भाई, जितने भी साथी हैं वहां बैठ के जो गैंग चला रहे हैं, वहां से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज दुख होता है बताते हुए, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को धमकी दी गई थी